दिस इज आकांक्षा सिंह, वेलकम यस्टरडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर के प्लेस के फेमस कोटेशन पे, ठीक है? तो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें इंपॉर्टेंट कोटेशन है। अगर आपने विलियम शेक्सपियर के जो प्ले जूलियस सीजर है, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो मैंने उसको पढ़ाया है, मेरे चैनल को सर्च कीजिए, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी वीडियो वहीं पे मिल जाएगी। और जो ये कोटेशन है फ्रेंड्स, ये जूलियस सीजर का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शेक्सपियर फेमस कोटेज ऑफ द प्ले। फर्स्ट कोटेज है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स रोमन्स कंट्री मैन लेंड मी योर ईयर्स, आई कम टू बरी सीजर नॉट टू फ्रेंस हिम। एंटोनी टू पीपल ऑफ रोम, एंटोनी जो है रोम की जनता से ये बातें कहता है। एंटोनी कौन रहता है? जूलियस सीजर का फ्रेंड रहता है। जब हत्यारे रहते हैं, जो जूलियस सीजर के हत्यारे रहते हैं फ्रेंड्स, ब्रूटस और कैसियस, जब वो जनता को पूरी तरह अपनी बातों में लपेट लेते हैं और जनता को जूलियस सीजर के प्रति भड़का देते हैं, तो वहाँ का माहौल बिगड़ जाता है और जनता जो है ब्रूटस और कैसियस पे विश्वास करने लगती है। तो एंटोनी जब आता है तो वो ऐसी बातें घुमा करके कहता है कि वह जनता को जो है कि हत्यारों के खिलाफ कर देता है। तो एंटोनी यहाँ पे ये रोम की जनता से कहता है कि फ्रेंड्स मेरे दोस्तों रोमवासियों, कंट्रीमैन मेरे देशवासियों, लेंड मी योर ईयर्स, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आई कम टू बरी सीजर नॉट टू फ्रेज हिम, मैं सीजर को दफनाने आया हूँ न कि उसकी प्रशंसा करने आया हूँ, एंटोनी कहता है रोम के वासियों से, ठीक है। फॉर लेट द गॉड्स सो स्पीड मी एज आई लव द नेम ऑफ ऑनर मोर देन आई फियर डेथ, ब्रूटस टू कैसियस। ब्रूटस कैसियस से कहता है कि मैं जो है मौत से नहीं डरता हूँ, ब्रूटस कैसियस से कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता हूँ, मैं अपने सम्मान से डरता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे सम्मान मिले। और मैं भगवान की शपथ खा के कहता हूँ, फॉर लेट द गॉड्स सो स्पीट मी एज, वो ब्रूटस कहता है कि मैं भगवान की शपथ खा के कहता हूँ कि आई लव द नेम ऑफ ऑनर मोर देन आई फियर डेथ, मैं मौत से नहीं डरता हूँ, मैं अपने सम्मान के लिए मरता हूँ, ऐसा ब्रूटस कहता है। और ये नहीं है, यस। तीसरा कोटेशन देखते हैं फ्रेंड्स। A man of such a feeble temper should so get the start of a majestic world and bear the form alone. Cassius to Brutus. अब देखिए फ्रेंड्स, कैसियस ब्रूटस को कैसे बहलाता फुसलाता है जूलियस सीजर के प्रति। कैसियस ब्रूटस को एकदम ब्रेन वॉश कर दिया है और उसको अपनी बातों में ही कर लेता है। ए मैन ऑफ सच ए फेवल टेम्पर सूट सो गेट स्टार्ट द मेजेस्टिक वर्ल्ड एंड बियर द फॉर्म एलोन। कैसियस कहता है कि जूलियस सीजर कौन सा बहुत बड़ा योद्धा है, वो कौन सा बहुत बड़ा बलवान है, वो कुछ नहीं है, अरे उसने तो सत्ता बस ऐसे ही ले लिया है, तो हम अकेले ही उसे क्यों करने दें, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि उसको रास्ते से ही हम लोग हटा देते हैं, कैसियस ब्रूटस को इसी तरह से बहलाता फुसलाता है। ही थिंक्स टू मच, सच मैन आर डेंजरस, सीजर टू एंटोनी। सीजर एंटोनी से कहता है कि ही थिंक्स टू मच सच मैन आर डेंजरस, वो किसके बारे में कहता, वो कैसियस के बारे में कहता है कि एंटोनी तुम हमेशा जो है कि अलर्ट रहा करो, क्योंकि ये जो कैसियस है वो बहुत सोचता है, बहुत विचार करने वाला आदमी है, और ऐसे लोग अच्छे नहीं होते हैं, वो बहुत डेंजरस होते हैं। सीजर एंटोनी को हमेशा आगाह करता रहता है। लेट्स किल हिम बोल्डली बट नॉट फ्रेटफुली, लेट्स ब्रेटफुली लेट्स कव हिम एज डिस फिट फॉर द गॉड्स, ब्रूटस टू कैसियस। ब्रूटस कैसियस से कहता है कि हम सीजर को पूरी ताकत से मारेंगे, ब्रूटस कैसियस से कहता है कि हम सीजर को पूरी ताकत से उसको मारेंगे, क्योंकि उसको
थोड़ा सा भी हम एहसास नहीं होने देंगे और उसे जो है कि भगवान का भक्षक बनाएंगे, ऐसा ब्रूटस कैसियस से कहता है। कॉवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। सीजर टू कैलिफोर्निया। जब फ्रेंड्स सीजर जब सीजर जाता है फ्रेंड्स, तो उसकी वाइफ कैलिफोर्निया उसको रोकती है सीनेट की तरफ। जब सीजर सीनेट की तरफ जाता है तो उसकी वाइफ जो कैलिफोर्निया रहती है वो उसको रोकती है। तब सीजर कहता है कि कवर्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, जो कायर लोग रहते हैं वो मरने से कई बार पहले ही मर जाते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, वो कहता है कि जो कायर लोग रहते हैं वो कई बार मरते हैं। द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, लेकिन जो वीर जो बहादुर लोग होते हैं वो मौत का स्वाद सिर्फ एक बार चखते हैं। टेस्ट मतलब चखते हैं। सीजर कहता है अपनी वाइफ कैलिफोर्निया से जब वो सीनेट की तरफ जाता है। नॉट दैट आई लवर्ड सीजरलेस बट दैट आई लव्ड रोम मोर। ब्रूटस टेल्स रोम्स। अब जब ब्रूटस मार देता है जूलियस सीजर को, जब कैसियस ब्रूटस जब मिले रहते हैं दोनों, तो जब ये जूलियस सीजर को मार देते हैं तो ब्रूटस रोम की जनता से कहता है कि नॉट टेल आई लवर्ड सीजरलेस। वह कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं सीजर से प्यार नहीं करता हूँ, मैं सीजर से प्रेम नहीं करता था, बट दैट आई लव्ड रोम मोर, मैं रोम की जनता से अधिक प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैंने सीजर को मारा। अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो रोम की जनता के लिए घातक सिद्ध हो सकता था। ऐसे ही ब्रूटस जो है रोम की जनता से कहता है। सीजर द वर्ड रेवेंट इवन विथ द एक्सपर्ट देन किल्ड। लास्ट वर्ड ऑफ केसेस। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान दीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिए इसको। ये वर्ड कैसियस कहता है कि सीजर अब तो शांत हो जाओ, अब तुम शांत हो जाओ, जब तुम जिंदा थे तो भी हमें मार रहे थे और मारने के बाद भी तुम हमें मार रहे हो। इवेंट विद इस वर्ड दैट किल्ड, जिस तलवार से मैंने तुमको मारा था उसी तलवार से मैं भी मर रहा हूँ। कैसियस ऐसे ये लास्ट वर्ड कहता है। सीजर नाउ वी स्टिल आई किल्ड नॉट दी विद हॉफ सो गुड ए विल। लास्ट वर्ड्स ऑफ ब्रूटस। ये ब्रूटस का लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, इसको कहीं नोट्स कर लीजिएगा। ब्रूटस कहता है सीजर से कि नॉट विल स्टिल आई किल्ड नॉट दी विल हॉफ सो गुड ए विल। वो कहता है ब्रूटस कि सीजर मैं जब तुम्हें मार रहा था तो मैं इतना परेशान नहीं था, मैं मुझे इतनी आत्मग्लानी नहीं आ रही थी जितना कि मैं मरने जा रहा हूँ, मुझे उतनी आत्मग्लानी आ रही है। अब मैंने जो पाप किया है मैंने उसका पश्चाताप कर लिया है, अब मेरा मर जाना ही सही है। ये ब्रूटस लास्ट वर्ड कहता है। आई होप फ्रेंड्स इतना आप क्लियर हुआ होगा आपका। और ये जो ये भी कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, दिस वाज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। एंटोनी अबाउट ब्रूटस आफ्टर हिज डेथ। एंटोनी अब ब्रूटस के बारे में कहता है, जब ब्रूटस मर जाता है तो उसके बारे में एंटोनी कहता है कि ब्रूटस सबसे अच्छा, रोम के लिए सबसे अच्छा था। एंटोनी यही कहना चाहता था कि सबसे अच्छा ब्रूटस था और रोम की जनता के लिए वो बहुत ही अच्छा था, ऐसा एंटोनी कहता है ब्रूटस के लिए। अब मैकबेथ के कोटेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन फर्स्ट मैकबेथ की जो फर्स्ट लाइन है फ्रेंड्स, ये प्ले भी मैंने पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैकबेथ की जो फर्स्ट लाइन है, फाउल इज फेयर, फेयर इज फाउल, तो ये जो फर्स्ट लाइन है इसी से शेक्सपियर सबको आगाह कर देते हैं, सबको मैसेज देते हैं कि ये जो प्ले है ये ट्रेजेडी में होने वाला है और यह जो है दुखांत तो होगा, ठीक है। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मैकबेथ इसमें हीरो भी है और विलेन भी है, ठीक है, दोनों हम इसको कह सकते हैं।
और आई थिंक कि सबसे विलन तो मेरे ख्याल से इसमें लेडीज मैकबेथ है, क्योंकि मैकबेथ के न चाहते हुए भी उसको उसका उसका करके उससे सारा काम करवाती हूँ। तो चलिए फर्स्ट कोटेशन देखते हैं। आर हैव वी ईटन ऑन द इनसेंट रूट दैट टेक्स द रीजन प्रिजनर। बांको कहता है, बांको का कथन है, बांको कहता है। देखिए फ्रेंड्स, बांको जो रहता है वो बहुत ही समझदार रहता है और बहुत ही बुद्धिमान रहता है। जब चुड़ैले भविष्यवाणी करती हैं मैकबेथ के बारे में, तो वो कहता है, मैकबेथ तो पूरी तरह से एकदम फुल के कुप्पा हो जाता है कि हाँ अब तो मेरा सब होने ही वाला है। बट ये जो बैंको रहता है वह कहता है कि हैव वी ईटन ऑन द इंसेंट रूट। रूट का मतलब होता है कोई नशीला पदार्थ। क्या हमने कोई नशीला पदार्थ खाया है कि जो इनकी जो बातें हैं हम पूरी तरह से इनकी बातों में आ गए हैं। डेट टेक्स सीजन ए प्रिजनर। क्या कभी इनकी भी बातें सही हो सकती हैं? इनकी बातें सही नहीं हो सकती हैं, हमें इनकी बातें नहीं मानना चाहिए, ऐसा बैंको कहता है। वॉट कैन द डिवाइन स्पीक ट्रू। देखिए वही बात आ गई, बांको कहता है कि क्या कभी शैतान की भी बातें सही हो सकती हैं? क्या कभी शैतान भी सही बोल सकता है? कभी नहीं बोल सकता है, वो तो फर्स्ट ही लाइन में होता है, फाउल इज फेयर, फेयर इज फाउल। वो तो कहते हैं कि जो लोगों के लिए बुरा है वो हमारे लिए अच्छा है, और जो लोगों के लिए अच्छा है वो हमारे लिए बुरा है। ठीक है, देखते हैं। देयर इज डेंगर इज मैंस स्माइल्स। ये डोनाल्विन कहता है फ्रेंड्स, वो कहता है कि मैंस स्माइल्स, कि जो बाहर से देखने में अच्छा होता है वो अंदर से अच्छा नहीं होता है। कहने का क्या सेंस होता है कि कुछ मैन ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो चेहरे पे मुस्कुराते हैं लेकिन पीछे से डेंगर्स क्या खंजर को घोप देते हैं, ऐसे लोग अच्छे नहीं होते हैं, डोनाल्विन कहता है। अब ये विजिट की लाइन है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। डबल डबल टॉयल द ट्रबल फेयर बर्न फायर बर्न एंड द कॉल्ड्रन बबल। विचेज कहती हैं कि डबल डबल ट्रायल एंड द ट्रबल फायर बर्न। वो कहती हैं कि जो मांस है, खून है, जो मांस के टुकड़े हैं, वो कड़ाही में उसको क्या कर रही हैं, उसको कड़ाही में पूरी तरह से भून रही हैं, और वो कह रही हैं कि फायर बर्न और हमारी जो आग है इसी तरह से जलती रहे, और उनके जो टुकड़े हैं मांस के और जो खून है उसका वो क्या कर रही हैं कि उसको पूरी तरह से जला रही हैं। एक तरफ से उनके लिए वो सूप था, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो विचेज के जो होते हैं फ्रेंड्स पूरी निगेटिव होती हैं, तो उनकी कहानियाँ जो ऐसे ही होती हैं। ठीक है, प्रेजेंस फियर और लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स। किंग डंकन कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आगे देखते हैं। देखिए ये आता है, फेयर इज फाउल ए फाउल इज फेयर। थ्री विजेस कहती हैं, तीनों चुड़ैले ही कहती हैं कि फेयर इज फाउल ए फाउल इज फेयर। जो उनके लिए अच्छा होता है, जो मैन के लिए अच्छा है वो हमारे लिए बुरा है, और जो मैन के लिए बुरा है वो हमारे लिए अच्छा है। और वो पूरी तरह से मैकबेथ को अपनी बातों में फंसा लेती हैं। ठीक है, और उसे जो है कि उतनी उसकी जो महत्वाकांक्षा को वो इतनी बढ़ा देती हैं, तो उसको इतना एक्साइटेड कर देती हैं कि वह पूरी तरह से एकदम इनकी बातों में आ जाता है, और वह क्या हत्या पे हत्या करता चला जाता है। वाट ब्लड मैन इज डेड। किंग डंकन कहता है फ्रेंड्स, जब मैकबेथ एंड बांको, यस बांको, हाँ मैकबेथ और बांको जब लड़ाई कर रहे थे, तो उसी के दौरान वहाँ पे जब बांको और मैकबेथ जब लड़ाई कर रहे थे, तो वहाँ पे जब वो लड़ाई को जीत जाते हैं, तो एक सैनिक खून से लथपथ आता है और डंकन को खबर देता है कि मैकबेथ और बांको जीत गए हैं। तो वहीं पे डंकन कहता है कि व्हाट ब्लड मैन इज डेड, वो खून से सना हुआ कौन है, आता है जब। तो इफ यू कैन लुक इनटू द सीड्स ऑफ टाइम एंड से विच ग्रेन विल ग्रो एंड विच विल नॉट। बांको
ये बांगो कहता है फ्रेंड्स, जब चुड़ैलें भविष्यवाणी करती हैं मैकबेथ के बारे में कि तुम थेनाफ कडोर बनोगे, तो तुम वो बनोगे, सारी सत्ता तुम्हारी हाथों में बनेगी, तो वो बहुत सारी उसकी महत्वाकांक्षा को जागृत करती हैं। तो बांगो उनसे पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि किसके सीड्स, मतलब किसके बीज जो है कि उगेंगे और किसके बीज नहीं उगेंगे। उसका बांगो का पूछने का मतलब ये है कि अच्छा ये बताओ कि किसके वंशज राजा बनेंगे और किसके वंशज राजा नहीं बनेंगे। तो चुड़ैलें भविष्यवाणी करती हैं, बांगो से कहती हैं कि तुम तो राजा नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारी वंशज जो हैं वह राजा बनेंगी। चुड़ैलें ऐसा बांगो से कहती हैं, ठीक है। कम वॉट कम वे टाइम एंड आवर रन्स थॉट द रूटेस्ट डे। मैकबेथ कहता है कि कम वॉट कम वे, कहता है पूरी तरह से फ्रेंड्स, मैकबेथ जो है कि राजा बनने के लिए और थेन ऑफ कडोर बनने के लिए अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए इतना एक्साइटेड हो गया है कि वह कहता है कि अब चाहे जो भी हो जाए, रास्ते में चाहे जो भी आए, अब उसको रास्ते से हटना ही पड़ेगा, लेकिन मैं जो है कि थेन ऑफ कडोर जरूर बनूंगा। और लेडीज मैकबेथ उसको बहुत उकसाती हैं, उसका उसका करके उससे काम करवाती हैं। तो वो यही बात कहता है कि कम वाट कम वेट टाइम एंड द हॉवर रन्स थॉट द जुगेस्ट डे। वह कहता है जैसे कि एक हमारी कहावत कही गई है कि अगर बुरे दिन आए गए, अगर बुरे दिन आते हैं तो कौन सा दिन बहुत बड़ा हो जाता है, अरे होता तो 24 ही घंटा में है ना। तो वही कहता है कि अब बनना है तो बनना है, और मुझे अगर मारना है तो मारना है, अब चाहे जो भी हो जाए मैं तो जो है कि राजा बन के ही रहूँगा, ठीक है। फॉल्स फैक्ट मस्ट, और एक तरह से उसको ये भी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो कल का है उसको कल पे हम लोग क्यों छोड़ें, जो आज करना है उसको कल पे क्यों छोड़ें, उसको तो हम लोग आज भी कर सकते हैं, उसका एक सेंस ये भी निकल सकता है, ठीक है। ये नेक्स्ट फैक्ट देखिए, कोटेशन देखिए, फॉल्स फैक्ट मस्ट हाइड व्हाट द फॉल्स हर्ट डन नो। मैकबेथ कहता है, लेडीज मैकबेथ से कहता है कि तुम जो है कि मुझे फॉल्स फैक्ट मस्ट हाइड व्हाट द फॉल्स हर्ट डोंट नो। हाँ, वो ये मैकबेथ का है फ्रेंड्स, ये मैकबेथ कहता है कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मैं तो इतना बुरा नहीं हूँ कि मैं कोई गलत काम करूँ, लेकिन जो है कि मेरा हृदय जो है कि ये काम करने के लिए मुझे कह रहा है, ये मैकबेथ कह रहा है। आई डेयर टू ऑल डेट मे बिकम ए मैन हु डेयर टू मोर इज नॉन। मैकबेथ कह रहा है फ्रेंड्स ये वर्ड्स कि जो तुम कह रही हो बार बार उसे मारने के लिए, तो वो कह रहा है कि मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, ठीक है, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि मैं ये काम न कर सकूँ, लेकिन अगर किसी की हत्या करना हो तो कोई सज्जन आदमी या कोई अच्छा आदमी तो ये कार्य को नहीं कर सकता है, ऐसा मैकबेथ कहता है। इफ इट वर डन ट्विस्ट डन देन वर वेल इट वर डन क्यूकली। मैकबेथ कहता है, ये वही वर्ड है फ्रेंड्स कि अगर हमें जो काम करना है उस काम को कर लें, उसको जल्दी से कर लें, कल पे उसको क्यों छोड़ें। टू पिक द साइडेज ऑफ माई इंसेंट बट ओनली वॉल्चनिंग एम्बिशन विच ओवरलिप्स इट सेल्फ एंड फॉल्स वन द अदर। ये मैकबेथ की लाइन है फ्रेंड्स, मैकबेथ कहता है कि मैं जो है मेरा अंतःकरण मुझे धिकारता है टू पिक द साइडेज ऑफ माई इंसेंट बट ओनली द वेल्चनिंग एम्बिशन विच ओवरलिप्स इट एंड फॉल्स द अदर। ये मैकबेथ कहता है फ्रेंड्स कि मेरा जो अंतःकरण है वह मुझे धिकारता है कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, मुझे गलत काम नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी जो एम्बिशन है, उसकी जो महत्वाकांक्षा है, उसके
अंतःकरण को रोक देती है और उससे वह गलत काम करवाती है। मैकबेथ का ये वर्ड है, मैकबेथ ऐसा कहता है। तो फ्रेंड्स, जो ये तो था मैकबेथ और जूलियस सीजर के इंपॉर्टेंट कोटेशन। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कोटेशन है। तो पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है।